बड़नगर इंगोरिया पुलिस के एएसआई संजय माथुर द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा एसडीओपी रविंद्र बोयट के मार्गदर्शन में 7 अगस्त 2021 रात्रि 9:30 बजे के लगभग शराब कंपनी के एरिया मैनेजर सुशील झा अपने साथियों के साथ खरसौद खुर्द और सिमलावदा शराब ठेके से कलेक्शन कर लौट रहे थे। तभी घात लगाकर बैठे चोरों ने खरसौद खुर्द उज्जैन बड़नगर मार्ग पर घटना को अंजाम दिया और बाइक से शराब कंपनी की जीप को रोका, कर्मचारियों के साथ मारपीट कर 99,150 रुपए की राशि जो कि बैग में रखी हुई थी लेकर फरार हो गए, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी फरार है। पुलिस द्वारा 5वें आरोपी से पूछताछ पर उन्होंने घटना करना कबूल किया। इसके बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने एक दिन के रिमांड के लिए पुलिस को सौंपा। आगे भी पुलिस की पूछताछ जारी है। दिनांक 7/8/2021 को शराब कंपनी की जीप से केस लेकर जा रहे कर्मचारी के साथ उपवास पंजे पर अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की वारदात की गई थी, जिसमें जीप में भी तोड़फोड़ की गई थी। जो मुखबिर की सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं एसडीपी साहब के मार्गदर्शन में भारत पटना पुलिस द्वारा एवं इंग्वेरी पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर कामनेश्वर मंदिर से संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे गहन पूछताछ की गई, जिनसे जिन्होंने अपना जो है लूट की जुर्म कबूल किया और 23,500 रुपये लूटी गई रकम, नकदी, एक बैग, 2 मोटरसाइकिलें जो घटना के समय प्रयोग की गई थी, लाठी एवं लोहे के पाइप आदि जब्त कर उनको माननीय न्यायालय बड़नगर एवं बाल न्यायालय जेल भेजा गया है। एक आरोपी इसको फरार है, जिसकी तलाश जारी है, पूछताछ जारी। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के बड़नगर से ब्यूरो रिपोर्ट।